जी हाँ, लगभग 2:50 पर ललन सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और ठीक कुछ देर पहले यहाँ पर नीतीश कुमार पहुंचे थे, जो कि उनका आवास है 6 कामराज लेन। अब ललन सिंह और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत होगी, और कार्यकारिणी की बैठक भी है, पदाधिकारियों की बैठक भी है, तो साफ तौर पर जो भी मसले हैं, मुझे लगता है वह आपस में मिलकर के बातचीत के जरिए चर्चा होगी। हालांकि एजेंडा क्या रहेगा अब ये देखना ये होगा कि दोनों के बीच में किस बात पर जो है मंथन होता है। लेकिन इतना खास है कि जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, और यही वजह है कि चाहे वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे वो दूसरे पदाधिकारी, वह अभी तक यही दावे कर रहे हैं कि जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक है। और आपने देखा कि किस तरह से ललन सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। मनीष झा के साथ राम किंकर सिंह। उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। ठीक है, हो गया, चलिए। परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है, और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो। एक है और एक रहे, आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता आप अध्यक्ष बने रहेंगे। आप अध्यक्ष बने रहेंगे। इस्तीफा हमें इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे।